सबसे पहले मेरे पास ये कुछ गुलाब के फूल थे जिसकी हमने पंखुड़ियाँ अलग कर ली हैं। इस तरीके से जो इनका जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको हम अलग कर लेंगे। अब इन्हें एक गहरे पतीले में डाल देंगे। तकरीबन 2 कप गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ थी हमने हवन करवाया था, उसमें से जो कुछ गुलाब या फूल या माला हार बच जाती हैं उन्हीं फूलों को मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने यहाँ पर एक कटोरी रख ली है बीच में थोड़ी जगह बना करके। और अब गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर हम 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे। इसके ऊपर हम एक कटोरी रख देंगे सीधी करके इस तरीके से। तो आप चाहें तो थोड़ी चौड़ी भी रख सकते हैं। और अब इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे उल्टा करके, ताकि जितनी भी ओस बनेगी वो पानी नीचे की तरफ गिर करके कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि गुलाब जल आज हम घर पर ही बनाने वाले हैं। और इसके बीच में जो यहाँ पर होल बना हुआ है इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा लगा देंगे, ताकि इसमें से स्टीम या ओस बाहर नहीं जाएगी। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस पर इस पतीली को रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इन्हें लो फ्लेम पर पकने दीजिए, ताकि जो गुलाब में से जो ओस बनेगी वो गुलाब जल हमारा तैयार होगा। और ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मैंने इस तरीके से अगर ढक्कन हटाया तो ये बीच में कटोरी में इतना सारा हमारा बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम ओरिजिनल वाला गुलाब जल बनके तैयार है। और इस समय पूरी किचन में गुलाब की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इस कटोरी को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और ये जो गुलाब के नीचे जो बचा हुआ पानी है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम यूज करेंगे। तो पहले हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें से सारा जो पानी है वो अलग हो जाएगा। और देखिए गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं उनका कलर भी एकदम फेड हो चुका है। और इस पानी को आप किसी भी कांच की बोतल में या फिर प्लास्टिक की बोतल में भर करके फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। और ये बहुत सारे कामों में आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे फेस पैक में, फिर उबटन बनाने में, या फिर हाथ पैरों पर लगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और चाहें तो आप इसे लिप्स पर भी लगा सकते हैं। और ये जो गुलाब जल हमारा बनकर तैयार हुआ है ये बिल्कुल ओरिजिनल और एकदम प्योर है। और इसे मैं इस तरीके से पहले एक बॉटल में भर लूंगी स्प्रे वाली में। इसमें पहले से ही थोड़ा सा गुलाब जल है, इसी में ही मैं बाकी का डाल दूंगी और इसके ऊपर ये ढक्कन लगा दूंगी। और कभी भी अगर आप जैसे धूप में से बाहर आते हैं या सुबह नहाने के बाद या जब भी आपको शाम को जब आप सोके उठते हैं तो आप इसे अपने फेस पर इस तरीके से स्प्रे करिए और आपको बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा। और इसकी जो खुशबू है वो तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। और इन दोनों ही बॉटल्स को आप फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। और ये जो गुलाब जल है इससे हम फेस पैक बनाएंगे। तो इसे मैं कटोरी में 2 चम्मच निकाल लूंगी। अब इसमें 1.5 चम्मच बेसन डाल दूंगी, 1 छोटा चम्मच गेहूं का आटा डाल रही हूँ, साथ ही 1/2 चम्मच शहद डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच दही डाल देंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनका रेशियो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और ये देखिए ये हमारा फेस पैक बनकर के तैयार है। फेस पैक क्या, आप इसे पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देता है, एकदम ग्लोइंग स्किन देगा, साथ ही इसकी खुशबू बहुत ही शानदार है। और आप इसे 15 से 20 मिनट तक फेस पर लगा रहने दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसे अच्छे से वॉश कर दीजिए। सादे पानी से वॉश करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा स्मूद, एकदम शाइनी और एकदम ग्लोई हो गई है। और अब हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट खीर, जो बहुत ही ज्यादा गाढ़ी, क्रीमी और मलाईदार बनती है, लेकिन बहुत ही कम सामान सी। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप चावल ले लिए हैं। आपके घर में जो भी रेगुलर चावल आते हैं आप इसमें वो यूज कर सकते हैं। इन्हें 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। और अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है हम निकाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। अब गैस पर एक कुकर रख देंगे, इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें ये चावल डाल देंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है और इन्हें 2 मिनट के लिए घी में अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, साथ ही इसमें 1 कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये चावल पकेंगे मैंने गैस पर दूसरा पैन रख दिया है, इसमें 1/4 कप फूल मखाने डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पर अच्छे से भुनने देंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। और अब मैंने ये 6 सूजी के रस ले लिए हैं, जिसे कि हम चाय के साथ खाते हैं, लेकिन आज हम इसे खीर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर इन्हें ग्राइंडर जार में रफली तोड़कर डाल देंगे और ये मखाने भी यहाँ पर अच्छे से भुन गए हैं तो इनको भी इसी में ही डाल देंगे और इन्हें फाइन ग्राइंड कर लेंगे, यानी एकदम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हमने इन्हें पीस लिया है
और यहाँ पर हमारे चावलों में भी 3 सीटी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, तो देखिए चावल जो है अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं करछी की मदद से इन्हें हल्का हल्का इस तरीके से मैश कर दूंगी, ताकि जो खीर है वो काफी गाढ़ी बनकर तैयार होती है। और अब इसमें हम बाकी का बचा हुआ दूध डाल देंगे, यानी कि 3 कप मैंने दूध डाला है। इस खीर को बनाने में मैंने टोटल 1 लीटर दूध का यूज किया है। और अब गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे या इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। और जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा तब तक हम इसके लिए जल्दी से कैरमल तैयार कर लेंगे। तो मैंने गैस पर एक वही पैन रख दिया है, इसमें हम 1/2 कप चीनी डाल देंगे। बीच बीच में आपको इसे चलाना नहीं है और गैस का फ्लेम भी नहीं बढ़ाना है। और ये देखिए धीरे धीरे जब यहाँ पर चीनी मेल्ट हो रही है तो बस इसे बस थोड़ा सा पैन को उठा करके इस तरीके से चला लेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिखा रही हूँ, इसमें टाइम लगता है तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं चीनी को मेल्ट होने में। तो आपको इसे बिल्कुल आराम से ही मेल्ट होने देना है। और ये देखिए जब यहाँ पर चीनी पूरी तरह मेल्ट हो गई है तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारा कैरमल तैयार हो गया है। इससे ज्यादा आप इसे ना पकाएं वरना इसमें जले का टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर ये दूध भी जब अच्छे से उबल चुका है, जो खीर है थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो मैंने इसमें ये रस और मखाने का पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स ना पड़े तो मैं इसे विस्कर से मिक्स कर लूंगी। अगर आप रस वाले पाउडर में ही दूध डालकर ग्राइंडर जार में थोड़ा सा चला लेंगे और फिर आप इसमें डालेंगे तो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और ये देखिए जो खीर हमारी काफी गाढ़ी हो गई है, तो अब मैं इसमें ये जो कैरमल डाल दूंगी। अगर आपको लगे कि कैरमल पूरी तरह जम गया है, ये ठंडा हो गया है, तो आप इसे कुछ सेकेंड्स के लिए लो फ्लेम पर गर्म कर लें ताकि ये मेल्ट हो जाएगा। और अब इसमें हम ये डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पर चीनी को कैरमलाइज करके इसमें डाला है, आप चाहें तो डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ या गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। और बस इसे गर्म होने देंगे। जैसे जैसे गर्म होगा ये जो इसमें कैरमल है ये पूरी तरह मेल्ट होता चला जाएगा। और ये देखिए हमारी जो खीर अच्छे से गाढ़ी हो गई है, काफ़ी क्रीमी हो चुकी है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और लास्ट में हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और साथ ही कुछ बूंदें केवड़ा जल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। केवड़ा जल की जगह आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं या फिर आप दोनों को ही स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ इलायची पाउडर से भी ये खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और लीजिए हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब खीर बन करके तैयार है। आप इसे ठंडी या गर्म किसी भी तरह से सर्व करेंगे, ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। और इंस्टेंट खीर है, अगर अचानक भी आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और लीजिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मिलती हूँ इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक रे गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।